नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठन। रीवा में विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर को लोकायुक्त ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त ने यह कार्यवाही सरमौर चौराहा स्थित डॉक्टर के निजी क्लिनिक में की है। डॉक्टर ने एमएलसी रिपोर्ट तैयार करने के एवज में शिकायतकर्ता से 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसे फरियादी ने 3 किश्तों में देना स्वीकार किया था। वो 5,000 की 2 किश्त पहले ही दे चुका था, अब तीसरी किश्त के 10,000 रूपये देने आया था। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिस जगह आप लोकायुक्त ने कार्रवाई की वहां कई डॉक्टरों के क्लिनिक हैं। जानकारी के अनुसार संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर अलख प्रकाश को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। बताया तो ये भी जाता है कि सीएमओ ने ये पैसे अपने हाथ में लेने के बजाय अपने क्लिनिक के कंपाउंडर रंजीत अग्निहोत्री के माध्यम से लिए। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई डॉक्टर अलख प्रकाश के सिरमौर चौराहा स्थित निजी क्लिनिक में की है। शिकायतकर्ता अमित तिवारी के बताया अनुसार डॉक्टर अलख प्रकाश ने मारपीट के मामले में एमएलसी बनाने के लिए से 20,000 रूपये की मांग की थी। डॉक्टर अलख प्रकाश को फरियादी अमित तिवारी निवासी गौर गांव रायपुर करचुलियान ने 5,000 रूपये की 2 किश्त पहले दे चुका था। अब तीसरी किश्त 10,000 रूपये देने के लिए उसकी क्लिनिक में आया था, जहां डॉक्टर के कंपाउंडर रंजीत अग्निहोत्री ने पैसे लिए। इसी दौरान लोकायुक्त ने रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले स्थान सिरमौर चौराहे में हड़कंप की स्थिति बन गई। चारों ओर लोकायुक्त कार्रवाई की चर्चा आम हो गई है। वहीं सिरमौर चौराहे में तैनात पुलिस कार्रवाई स्थल पर भीड़ न बढ़े और व्यवस्था बनाए रखने में लग गई। मामला ये था कि पुरानी रंजिश को लेकर मेरा विवाद हुआ था मनगवान मिलाहाबाद मोड़ में, तो गगेव मुझे रेफर किया गया, वहां से मेरे को संजय गांधी भेज दिया गया। इसके बाद यहां अलग प्रकाश सिंह डॉक्टर थे ड्यूटी में, तो बोले कि आप 50,000 रुपये लाइए तो ही आपका मेडिकल बनेगा और मैं भर्ती करूंगा, नहीं तो आपको छुट्टी कर दूंगा ट्रीटमेंट करके। फिर मैं बोला ठीक है सर, जो भी जैसा होगा मैं देखूंगा। तबीयत सही नहीं थी, मेरे को भर्ती के बाटर वाटर लगवाए और इसके बाद मुझे बोले कि हो गया, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको छुट्टी किया जा रहा है, भेज दिए। और मैं बोला सर मेरा एक्सरे करवाने के लिए बोले थे, तो बोले एक्सरे वगैरह नहीं होगा, जब फिर देखेंगे अगर कुछ समझोगे करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हो गया सर मैं चला, फिर 27 को गया तो पैसे की मांग हुई। जब पैसे की मांग हुई, जब 5,000 रुपये उनको दिया तब उन्होंने एक्सरे करवाया मेरा, फिर इसके बाद फिर 5,000 रुपये दिया उनको जाके ऑफिस में, और आज 10,000 रुपये फिर मांगे तो फिर दिए। कितनी मांग थी उनकी? उनकी मांग थी 50,000 रुपये की, फिर लास्ट में वो आ गए थे 25,000 में। फिर मैंने उनको 20 बोला सर 20 ले लीजिए, हो गया। ऐसे आपने क्यों किया जी? अलग प्रकाश सिंह बैठे थे वहीं पे, उनका जो टोकन लगाता है नंबर लगाता है, बोले उनको दे दो, और 5,000 रुपये जो था वो वहाँ बोले के रख दो टेबल में मेरे। पैसा दे चुके थे उस समय, शिकायत की थी क्या आपने? जी जी, उसके पहले कर दी थी कि याद ही? नहीं नहीं, उसी पहले कर दिया था। नहीं नहीं, पैसों का लेन देन सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ प्राइवेट में? नहीं नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में 10,000 हुआ था, अब 10,000 रुपये आज यहाँ हुआ। क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। 5,000 की जो दो किस्त आपने दी थी? हाँ जी। फोन से भी बातचीत हुई थी आपकी? फोन से मेरी बातचीत कोई नहीं, फोन उनसे नहीं करते थे बातचीत। और कोई तो नहीं था वहाँ पे दिल्ली में अस्पताल में? उन्हीं से जो मुलाकात करवाता है जो, हाँ उसका सर नाम मैं नहीं जानता, उन्हीं के साथ राजू श्रीवास्तव नाम आ रहा था लेकिन मैं उनको पहचानता नहीं। श्री अमित तिवारी शिकायत करता है, उन्होंने हमें शिकायत की थी कि उसका एक झगड़ा हो गया था मनगवा में, जिसका मेडिकल रिपोर्ट संजय गांधी में बनना थी, जो कि सीएमओ श्री अलख प्रकाश डॉक्टर को बनाना थी। उस रिपोर्ट को बनाने के एवज में 50,000 रुपये की मांग वो कर रहे हैं, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई, जिसका हमने सत्यापन किया गया। तो सत्यापन कार्रवाई के दौरान डॉक्टर साहब ने, श्री अलख प्रकाश जी, इन्होंने फाइनली 25,000 रुपये मांगे, ले दे के इनका 20,000 में सौदा तय हुआ था, जिसमें से वो धीरे धीरे करके एडवांस में 10,000 रुपये ले चुका था, और 10,000 रुपये आज लेते हुए गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथ। और डॉक्टर साहब ने अपना जो असिस्टेंट था रणजीत अग्निहोत्री उर्फ मिंटू, उसको 10,000 रुपये दिलवाए थे कि इनको दे दो, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ आ चुकी है और उसको हमने गिरफ्तार दोनों को कर लिया। तो क्या सारी डीलिंग इनके क्लिनिक से हुई है अस्पताल से? बातचीत अस्पताल में हुई थी और बाकी डीलिंग जो हुई है वो प्राइवेट क्लिनिक पे हुई है। अस्पताल में मतलब डॉक्टर साहब इन्वॉल्व थे कि वहाँ से भी कोई इन्वॉल्व? नहीं, डॉक्टर साहब ही डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं इसमें, कि हम फाइनल रिपोर्ट तभी बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेडिकल जो किया है 14 जुलाई को किया है और आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं बनाई। और जब इन्होंने प्रथम किस्त 27 तारीख को 5,000 रुपये लिया, उस दिन इनका एक्सरा किया गया इतने दिन बाद, और अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाई। असिस्टेंट रणजीत अग्निहोत्री को भी आरोपी बनाया जाएगा? जी हाँ, उसको भी अभी हमने आरोपी, क्योंकि उसने लिया है और उसको नॉलेज में था कि इससे पैसा लगाई गई है। ये भ्रष्टाचार की जो धारा 7 होती है वो लगाई गई।